तो आज हमारे बीच प्रस्तुत है अ पर्सनालिटी जिन्हें हम बुलाते हैं जल पुरुष, वाटरमैन ऑफ इंडिया, अ रिनाउंड रिवर रेजुविनेटर एंड एनवायरमेंटलिस्ट. फॉर हिज वर्क ही हैज बीन अवार्डेड ऑनररी डॉक्टरेट डिग्रीज. हिज अवार्ड्स एंड अकोलेड्स इंक्लूड रमोन मार्क्सेस अवार्ड, जमनालाल बजाज अवार्ड, द स्टॉकहोम वाटर अवार्ड, द अहिंसा अवार्ड फ्रॉम the House of Commons UK, we have the Earth Repair Award from US CETL and Prithvi Bhushan Award from New Delhi, and the list goes on. We have between us Shri Rajendra Singh, popularly known as, like I said, Jal Purush, Waterman of India, how to rejuvenate 75 rivers in Maharashtra as a part of celebration of Azadi Ka Amrit Mahotsav. He'll be speaking to us about the same. Zordar taaliyon se swagat ho unka. Bhai ko khoke सैकड़ों पानी के काम करने वाले भाइयों के बीच आके मेरा दुख, मेरा दर्द कम हुआ है. और मैंक को सुन के थोड़ा और कम हुआ, क्योंकि मैंक को शायद याद है कि नहीं, मुझे मालूम नहीं, गांधी पीस फाउंडेशन में जब ये केजरीवाल की वकालत किया करते थे, उस वक्त उस दिन मैंने कहा कि देखो, जब कोई भी आंदोलन हैसियत बनाने के लिए होता है, वो देश के लिए और देश की जनता के लिए नहीं होता. याद है? बिल्कुल याद है. चलिए, अच्छा लगा कि उनको याद है मेरा ये स्टेटमेंट. मैं पीवी राजगोपाल, हम दोनों ने कहा कि देखिए, ये आंदोलन अन्ना को हम दोनों अन्ना की दोनों साइड में बैठे थे. अन्ना को समझाया ये बात. मैंने कहा, अन्ना तुम बहुत गलती कर रहे हो. केवल मैं और पीवी राजगोपाल ऐसे थे जिन्होंने बहुत क्लियरली कहा था कि ये आंदोलन एक पॉलिटिकल एम्बिशन और अपनी हैसियत बनाने का आंदोलन है, इसलिए इस आंदोलन में अब हम साथ नहीं रहेंगे. मैं और पीवी राजगोपाल दोनों एक साथ बाहर हो गए. चलिए, आपने ईमानदारी से ये बात स्वीकार ली, इसके लिए सचमुच, और सचमुच तुम्हारा प्रेजेंटेशन देख के और तुम्हारा स्टेटमेंट सुन के मेरा दुख थोड़ा कम हुआ, क्योंकि जो बातें हम 40 साल पहले बोलते थे, वो मैंक गांधी अब बीड़ में बोल रहे हैं. वो की वो बातें कि जहाँ दौड़ता है वहाँ चलना सिखा दो, जब चलने लगे तो रेंगना सिखा दो, जब रेंगने लगे तो पकड़ के धरती के पेट में बैठा दो, फिर ना लगेगी नज़र सूरज की, उससे अपना जीवन चला दो. दोस्तों, आप जानते हैं कि ये 40 साल पानी के लिए काम करने वाले भाई को खोने के बाद एक अलग तरह का दर्द अंदर होता है, पर आपके बीच आके मुझे लगता है कि एक ही तो गया यार. देश में, दुनिया में तो हजारों भाई हैं, और ये जो हजारों भाई हैं, ये खून के भाई से ज्यादा गहरे भाई होते हैं, जो काम से बनते हैं, जो प्यार से बनते हैं. वो प्यार विश्वास पैदा करता है, वो प्यार मोहब्बत देता है, वो प्यार ट्रस्ट विकसित करता है, और फिर फेथ लेके आता है. इसलिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ. और मैं आज ये देख रहा हूँ कि इस मंच पर राज, समाज, संत और महाजन चारों मौजूद हैं. मोथा जी को सुन के मुझे लग रहा था कि मोथा जी ने जब काम शुरू किया, तब से मैं उनके काम के बारे में बहुत गहराई से परिचित हूँ, और आपकी प्रशंसक बहुत बार बार बुलढाणा के, आप जानते हैं, वो सब मुझे आके बताते रहते हैं राजस्थान में कि वहाँ हमने अपने ज़िले को ले लिया है. दोस्तों, आज कहने के लिए तो बहुत कुछ है, क्योंकि इस हॉल में बहुत दिन के बाद इस महाराष्ट्र समिट में
बिना किसी विचार में, बिना किसी पहचान में बंधे सब लोग मौजूद हैं, ज़्यादातर लोग मौजूद हैं। और वो ज़्यादातर लोग मौजूद इसलिए हैं कि बुलाने वाला जो आदमी है वो किसी खास आइडियोलॉजिकली बाइंडिंग्स में बंधा हुआ नहीं है, उसके लिए सब बराबर है। जब कोई इंसान एक आदमी को प्यार करता है ना, तब कभी भी सबको प्यार नहीं होता। एक आदमी को प्यार करने वाला इंसान कभी सबको प्यार नहीं कर सकता, और जो इंसान एक आदमी को प्यार नहीं करता वो सबको प्यार कर सकता है। वो अपने को बांधता नहीं है किसी एक। इसलिए ये जो पानी का प्यार है ये किसी एक का प्यार नहीं है, क्योंकि पानी कॉरपोरेट को चाहिए कि मजदूर को चाहिए कि अफसर को चाहिए कि राजनेता को चाहिए, ये तो सबको चाहिए। और जीने के लिए सब बराबर पानी पीते हैं, ब्यूरोक्रेट भी, पॉलिटिशियन भी, सामाजिक कार्यकर्ता भी। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों को यदि आगे का रास्ता देखना है महाराष्ट्र का, तो ये जियो एनजीओ का खेल छोड़ना पड़ेगा। एक पानी का प्यार, और ये जो पानी का प्यार है ये हम सबको सबके साथ जोड़ सकता है, सबके साथ जोड़ सकता है। फिर वो आपको किसी राजनीतिक दल की, राजनीति की दलदल में नहीं फंसने देगा। हम लोगों को बहुत कोशिश की जाती है कि हमें किसी दलगत राजनीति की दलदल में फंसा दे, लेकिन हम लोगों को ध्यान रखने की जरूरत होती है कि हम किसी दल की दलगत दलदल में ना फंसे। तो जो दल की दलदल में नहीं फंसते वही सबके होते हैं, वही सबको प्यार करना सिखाते हैं। दोस्तों, आज मैं आप सबके बारे में कुछ थोड़ा थोड़ा बता सकता हूं। आप सब अच्छा काम करने वाले लोग हैं, अच्छे काम को बताना जानना बहुत जरूरी होता है। जब आप थोड़ा आगे जाना चाहते हैं तो कुछ पीछे भी देखना होता है कि हमारे महाराष्ट्र में क्या पॉजिटिव एनर्जी है, हमारे महाराष्ट्र की स्पिरिट क्या है। हमारे महाराष्ट्र को यदि पानीदार बनाना है, महाराष्ट्र को यदि पानीदार बनना है, तो फिर कौन सी स्पिरिट है जिसके साथ हम महाराष्ट्र को पानीदार बना सकते हैं। मैं एक दो तीन उदाहरण देना चाहता हूँ छोटे छोटे, फिर आपसे अपनी बात कहूँगा। पिछले दिनों मैं उज्ज्वल के साथ इसके पांच पाटिल को देखने के लिए बहुत सारे गांव गया, बहुत सारी स्ट्रीम्स को देखा। दो तीन छोटी बातें मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। जब आप अपनी पढ़ाई का घमंड लेकर कहीं जाते हैं तो आधे नहीं तो सारे लोग आपसे हाँ जी करते हैं, पर उस हाँ जी में वो आपके नहीं होते, वो काम के नहीं होते। सर भी कहेंगे, हाँ जी भी कहेंगे, कभी पैर भी छू लेंगे, पर जो आप साझा भविष्य को बेहतर बनाने का सपना दिखाते हैं वो सपने आपके साथ नहीं देखते। यदि आप उन लोगों को वो सपने दिखाना चाहते हैं जो इस भारत के भविष्य को बेहतर बनाने की राह, बेहतर बनाने की कदम बढ़ा सकते हैं, तो उसमें हाँ जी और सर से नहीं चलता, उसमें दिल खोल कर सवाल पूछने से चलता है, शंकाओं को बाहर रखने से चलता है। मैंने देखा कि जब उज्ज्वल लोगों के बीच धरती पे बैठा होता है तो लोग इसको उज्ज्वल उज्ज्वल नहीं मानते, उसको उज्ज्वल मानते हैं। उज्ज्वल का मतलब समझते हैं,
ऊ माने ऊपर की तरफ,